लोगों को ऊपर लिखी शिक्षा देने के बाद मसीह यीशु कफरनहूम नगर लौट गए। वहां एक सेनापति का एक अत्यंत प्रिय सेवक रोग से बिस्तर पर था। रोग के कारण वो लगभग मरने पर था। मसीह यीशु के विषय में मालूम होने पर सेनापति ने कुछ वरिष्ठ यहूदियों को मसीह यीशु के पास इस विनती के साथ भेजा कि वो आकर उसके सेवक को चंगा करें। उन्होंने मसीह यीशु के पास आकर उनसे विनती कर कहा, ये सेनापति निश्चय ही आपकी इस दया का पात्र है, क्योंकि उसे हमारे राष्ट्र से प्रेम है तथा उसने हमारे लिए सभागृह भी बनाया है। इसलिए मसीह यीशु उनके साथ चले गए। मसीह यीशु उसके घर के पास पहुँचे ही थे कि सेनापति ने अपने मित्रों के द्वारा उन्हें संदेश भेजा, प्रभु आप कष्ट न कीजिए, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर पधारे। अपनी इस अयोग्यता को ध्यान में रखते हुए मैं स्वयं आपसे भेंट करने नहीं आया। आप मात्र वचन कह दीजिए और मेरा सेवक स्वस्थ हो जाएगा। मैं स्वयं बड़े अधिकारियों के अधीन नियुक्त हूँ और सैनिक मेरे अधिकार में हैं। मैं किसी को आदेश देता हूँ जाओ तो वो जाता है, और किसी को आदेश देता हूँ इधर आओ तो वो आता है। अपने सेवक से कहता हूँ ये करो तो वो वही करता है। ये सुनकर मसीह यीशु अत्यंत चकित हुए और मुड़कर पीछे आ रही भीड़ को संबोधित कर बोले, मैं ये बताना सही समझता हूँ कि मुझे इसराइलियों तक में ऐसा दृढ़ विश्वास देखने को नहीं मिला। वे जो सेनापति द्वारा मसीह यीशु के पास भेजे गए थे, जब घर लौटे तो ये पाया कि वो सेवक स्वस्थ हो चुका था। इसके कुछ ही समय बाद मसीह यीशु नाइन नामक एक नगर को गए। एक बड़ी भीड़ और उनके शिष्य उनके साथ थे। जब वो नगर द्वार पर पहुंचे, एक मृत व्यक्ति अंतिम संस्कार के लिए बाहर लाया जा रहा था, अपनी माता का एक लौता पुत्र, और वो स्वयं विधवा थी, और उसके साथ नगर की एक बड़ी भीड़ थी। उसे देख मसीह यीशु करुणा से भर उठे। उन्होंने उससे कहा, रो मत। तब उन्होंने जाकर उस अर्थी को स्पर्श किया। ये देख वे जिन्होंने उसे उठाया हुआ था रुक गए। तब मसीह यीशु ने कहा, युवक मैं तुमसे कहता हूं उठ जाओ। मृतक उठ बैठा और वार्तालाप करने लगा। मसीह यीशु ने माता को उसका जीवित पुत्र सौंप दिया। वे सभी श्रद्धा में परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। वे कह रहे थे, हमारे मध्य एक तेजस्वी भविष्यद्वक्ता का आगमन हुआ है, परमेश्वर ने अपनी प्रजा की सुधि ली है। मसीह यीशु के विषय में ये समाचार यहूदिया प्रदेश तथा पास के क्षेत्रों में फैल गया। योहन के शिष्यों ने उन्हें इस विषय में सूचना दी। योहन ने अपने दो शिष्यों को प्रभु के पास इस प्रश्न के साथ भेजा, जिनके आगमन की प्रतीक्षा की जा रही है, क्या आप ही हैं या हम किसी अन्य की प्रतीक्षा करें? जब वे दोनों मसीह यीशु के पास पहुँचे, उन्होंने कहा, बपतिस्मा देने वाले योहन ने हमें आपके पास ये पूछने भेजा है, जिनके आगमन की प्रतीक्षा की जा रही है, क्या वो आप ही हैं या हम किसी अन्य की प्रतीक्षा करें? ठीक उसी समय मसीह यीशु अनेकों को स्वस्थ कर रहे थे, जो रोगी, पीड़ित और दुष्ट आत्मा के सताए हुए थे। वो अनेक अंधों को भी दृष्टि प्रदान कर रहे थे। इसलिए मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुमने जो कुछ सुना और देखा है उसकी सूचना योहन को दे दो। अंधे दृष्टि पा रहे हैं, अपंग चल रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध होते जा रहे हैं, बहरे सुनने लगे हैं, मृतक जीवित किए जा रहे हैं तथा कंगालों में सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता है। योहन का संदेश लाने वालों के विदा होने के बाद मसीह यीशु ने भीड़ से योहन के विषय में कहना प्रारंभ किया, तुम्हारी आशा जंगल में क्या देखने की थी? हवा में हिलते हुए सरकंडे को? यदि ये नहीं तो फिर कीमती वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को? सुनो, जो ऐसे वस्त्र पहनते हैं उनका निवास राजमहलों में होता है। तुम वास्तव में क्या देखने गए थे? एक भविष्यद्वक्ता को? हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये वो हैं जो भविष्यद्वक्ता से भी बढ़कर हैं। ये वही हैं जिनके विषय में लिखा गया है, मैं अपना दूत तुम्हारे आगे भेज रहा हूं, जो तुम्हारे आगे आगे चलकर
तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करेगा। सच तो ये है, प्राकृतिक रूप से जन्मे हुओं में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो योहन से बढ़कर हो। फिर भी परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा भी योहन से बढ़कर है। जब सभी लोगों ने, यहाँ तक कि चुंगी लेने वालों ने, मसीह यीशु के वचन सुने, तो उन्होंने योहन का बपतिस्मा लेने के द्वारा ये स्वीकार किया कि परमेश्वर की योजना सही है। किंतु फरीसियों और शास्त्रियों ने बपतिस्मा ना लेकर उनके लिए तय परमेश्वर के उद्देश्य को अस्वीकार कर दिया। मसीह यीशु ने आगे कहा, इस पीढ़ी के लोगों की तुलना मैं किससे करूं? किसके समान है ये? ये हाट में बैठे हुए उन बालकों के समान हैं, जो एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई किंतु तुम नहीं नाचे, हमने तुम्हारे लिए शोक गीत भी गाया फिर भी तुम ना रोए। बपतिस्मा देने वाले योहन रोटी नहीं खाते थे और दाखरस का सेवन भी नहीं करते थे, इसलिए तुमने घोषित कर दिया उसमें प्रेत का वास है। मनुष्य के पुत्र का आहार सामान्य है, इसलिए तुमने घोषित कर दिया, अरे वो तो पेटू और पियक्कड़ है, वो तो चुंगी लेने वालों तथा अपराधियों का मित्र है। फिर भी ज्ञान की सच्चाई उसकी सभी संतानों द्वारा प्रकट की गई है। एक फरीसी ने मसीह यीशु को भोज पर आमंत्रित किया। मसीह यीशु आमंत्रण स्वीकार कर वहां गए और भोजन के लिए बैठ गए। नगर की एक पापिन स्त्री ये मालूम होने पर कि मसीह यीशु वहां आमंत्रित हैं, संगमरमर के एक बर्तन में इत्र लेकर आई। और उनके चरणों के पास रोती हुई खड़ी हो गई। उसके आंसुओं से उनके पांव भीगने लगे। तब उसने प्रभु के पांवों को अपने बालों से पोंछा, उनके पांवों को चूमा तथा उस इत्र को उनके पांवों पर उंडेल दिया। जब उस फरीसी ने, जिसने मसीह यीशु को आमंत्रित किया था, ये देखा तो मन में विचार करने लगा, यदि ये व्यक्ति वास्तव में भविष्यद्वक्ता होता तो अवश्य जान जाता कि जो स्त्री उसे छू रही है वो कौन है, एक पापी स्त्री। मसीह यीशु ने उस फरीसी को कहा, शिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए गुरुवर, उसने कहा। मसीह यीशु ने कहा, एक साहूकार के दो कर्जदार थे, एक 500 दिनार का तथा दूसरा 50 का। दोनों ही कर्ज चुकाने में असमर्थ थे, इसलिए उस साहूकार ने दोनों ही के कर्ज क्षमा कर दिए। ये बताओ, दोनों में से कौन उस साहूकार से अधिक प्रेम करेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरे विचार से वो जिसकी बड़ी राशि क्षमा की गई। तुमने सही उत्तर दिया, मसीह यीशु ने कहा। तब उस स्त्री से उन्मुख होकर मसीह यीशु ने शिमोन से कहा, इस स्त्री की ओर देखो, मैं तुम्हारे यहाँ आया, तुमने तो मुझे पांव धोने के लिए भी जल न दिया, किंतु इसने अपने आंसुओं से मेरे पांव भिगो दिए और अपने केशों से उन्हें पोंछ दिया। तुमने चुंबन से मेरा स्वागत नहीं किया, किंतु ये स्त्री मेरे पांवों को चूमती रही। तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, किंतु इसने मेरे पांवों पर इत्र उंडेल दिया है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये मुझसे इतना अधिक प्रेम इसलिए करती है कि इसके बहुत पाप क्षमा कर दिए गए हैं, किंतु वो जिसके थोड़े ही पाप क्षमा किए गए हैं प्रेम भी थोड़ा ही करता है। तब मसीह यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। आमंत्रित अतिथि आपस में विचार विमर्श करने लगे, कौन है ये जो पाप भी क्षमा करता है? मसीह यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे उद्धार का कारण है, परमेश्वर की शांति में विदा हो जाओ।